बताऊंगी गवार की फली की रेसिपी जो खाने में लाजवाब और बनाने में एकदम सिंपल रेसिपी है हेलो दोस्तों मेरा नाम है आशा वर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आशा वर्मा चलिए शुरू करते हैं गवार की फली को ऊपरी व निचली तरफ से तोड़कर अलग करना है जिसे डंठल भी कहते हैं इसके बाद में फली को तोड़ लेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं इसके बाद में एक प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्च काट लेंगे और थोड़ा सा लहसुन भी छोलकर कूट लेंगे इसके बाद में किसी बर्तन में दो गिलास पानी डालकर गंवार की फली भी डाल देंगे और थोड़ा नमक डालकर मिला लेंगे और उबालने के लिए प्लेट से ढक देंगे दस से बारह मिनट तक की फली को उबालना है फिर देखेंगे कि फली उबली है नहीं फली को सिर्फ अस्सी प्रतिशत ही पकाना है पूरा नहीं पकाना है फिर गैस बंद कर देंगे फली को पानी से अलग बर्तन में निकाल लेंगे बस इसके बाद में दो चम्मच सरसों का तेल गरम कर लेंगे तेल गरम होने के बाद में थोड़ा जीरा डालकर पका लेंगे जीरा पकने के बाद में लहसुन प्याज हरी मिर्च काट कर डाल देंगे और मिला लेंगे ध्यान रहे प्याज छोटा ही लेना है और लहसुन भी लगभग चार पांच ही कलियां लेनी है और एक दो हरी मिर्च दो मिनट के बाद में एक छोटा टमाटर काट कर डालकर मिला लेंगे और पाँच मिनट पकाएंगे क्योंकि यहाँ मैंने सभी चीजें कम ही लिए तो पकने में ज्यादा समय नहीं लगेगा टमाटर पकने के बाद में गवार की फली डालकर इसके बाद में पिसा धनिया छोटे चम्मच दो पिछे लाल मिर्च स्वाद अनुसार नमक स्वाद अनुसार और थोड़ी सी इसी हल्दी डालकर मिला लेंगे और दस मिनट के लिए बस हो चुकी है गार की फली की सब्जी तैयार एकदम सिंपल और स्वादिष्ट रेसिपी में आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद